उदया चौराहे पर चला योगी का बुलडोजर, दुकानें हुई ध्वस्त। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर उदया चौराहे पर अवैध तरीके से निर्माण गुप्ता होटल पर प्रशासन का बुलडोजर चला, दुकानें ध्वस्त हुई। SDM ने बताया कई बार सूचना देने के बाद भी इन्होंने दुकान खाली नहीं कराया। दुकान नहीं खाली होने पर बुलडोजर से गिराने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित ने बताया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, आज मेरा मकान ध्वस्त कर दिया गया, हम लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि मुझे इसका मुआवजा दिलाया जाए और इस अभियान में तहसील सदर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नजूल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, नगर कोतवाली टीम, कैंट कोतवाली पुलिस टीम, CO सिटी शैलेंद्र सिंह, महिला थाना अध्यक्ष टीम के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रही। आइए देखते हैं SDM सदर ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। और इनको पहले इनको प्रॉपर तरीके से इनको सूचना दी गई है और इनको कहा भी गया था एक महीना पहले भी कि आप हटा दीजिए, और व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारी गणा करके इनको बताए थे। और ये रोज़ कह रहे थे कि हम आज हटाएंगे कल हटाएंगे, इसकी वजह से हमारा जो आरोग्य का कार्य है वो बहुत प्रभावित हो रहा है। तो आज इनको सुबह से ही कहा गया था, लेकिन इन्होंने कुछ सामान अपना हटा लिया और उसके बाद इसको हटाया जा रहा है, चूँकि हमारा काम प्रभावित हो रहा है। ये हमारी नजूल की भी थी, इधर आगे हमारी रोड इंक्रोचमेंट था, दोनों तरह की जमीन है। अब आरोप तो जो अगर उनको अवैध हैं तो कुछ न कुछ कहना है, लेकिन उनको सारी जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है। बाबा के समय का है जो कागज किसके नाम पे है? हमारे बाबा जी के नाम है। क्या नाम है उनका? स्वर्गीय सदगुरु प्रसाद। तो ये किस तरह की भूमि है, क्यों आज प्रशासन इस पे बुलडोजर चला रहा है? प्रशासन का कहना था कि ओवरब्रिज बन रहा है, इसमें 15 फीट आप लोग ओवरब्रिज में आपका आ रहा है, इसे खाली कर दिया जाए। तो हम लोग खाली भी कर रहे, तो आदमी लगा के तोड़ फोड़ भी चल रहा था। नहीं, आज परसों अधिकारी आए थे कि आप पूरा मकान खाली करिए, तो कोई नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, और ज़बरदस्ती आज मशीन लगा दी गई और गिरा दिया जा रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि एक महीने से आप नोटिस किया रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये वैसे कर रहे थे, रोड आप चौड़ी हो गए, आप लोग खाली करिए। हम लोग दुकान खाली करके आ गए, लेकिन एक दुकान खाली की, एक दुकान का कोई मतलब नहीं था, ना उसमें नफा नहीं था, 15 फीट का था तो हमने खाली किया था, और 15 फीट के लिए बोला गया था ये मकान पूरा है। तो जिनने प्रशासन का कहना है कि ये पूर्णतः नजूल पे बना हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये आपका मकान नजूल पे है? ये नजूल नहीं, फ्री होल्ड हो चुका है। ये कागज जिसपे मुआवजा पहले बन रहा था 24 लाख रुपये, मुआवजा की बात कही गई थी, लेकिन विभाग कह रहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वो कागज आपके पास है जो आपने फ्री होल्ड कराया था? जी, फ्री होल्ड कराया गया था, और बाबा के नाम है, उर्दू में सब लिखा हुआ है, कागज हमारे पास है, उर्दू में सब लिखा हुआ है। ठीक है, अभी कागज आप क्या चाहते हैं? आप अब यही चाहते हैं मुआवजा मिले हम लोगों को, दुकान के बदले दुकान मिले, और हम लोग बेरोजगार हो गए, हम लोग का घर चला गया, कुछ ना कुछ प्रशासन से सहयोग मिलता तो हम लोग अच्छा था। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार।